हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज का जो मैच है बहुत ही रोमांचक होने वाला है और बहुत ही अच्छी जोड़ी है, बहुत ही पावरफुल जोड़ी है। दोनों ही टीमें बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही लय में है, अच्छे अंदाज में है और अच्छी फॉर्म में चल रही है दोनों टीमें, और दोनों टीमों के खिलाड़ी भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो चलिए गाइस, मैं बता दूँ कौन कौन सी टीम है। एक है चेन्नई सुपर किंग्स, तो दूसरी तरफ है पंजाब किंग्स, और दोनों ही टीम बहुत ही अच्छी है, अच्छे फॉर्म में चल रही है, अच्छे लय में चल रही है, अच्छे अंदाज में चल रही है। पिछले मुकाबलों में पंजाब ने MI के खिलाफ खेला था तो अपनी जीत हासिल की थी, और चेन्नई ने राजस्थान के खिलाफ खेला था तो हार गए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, आज का जो मैच है बहुत ही रोमांचक होने वाला है और काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस इस वाले मैच में। और दोनों ही टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। तो चलिए मैं बता दूं कि इन दोनों में खिलाड़ी बहुत ही तगड़े तगड़े हैं, अच्छी फॉर्म में चल रही है टीमें, अच्छे लय में चल रही है। और ये मैच शाम को 3:30 बजे होने वाली है। 3:30 बजे होने के बाद आज दो मैचेस है, 3:30 बजे मैच होगी तो 7 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो फिर दूसरी टीम है उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, फिलहाल मैं ये वीडियो में बना दे रहा हूँ। पहले टीम जो है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। तो गाइस, दोनों ही टीमें बहुत ही खतरनाक है, अच्छे फॉर्म में है, अच्छे लय में है। एक तरफ है MS धोनी, तो दूसरी तरफ है शिखर धवन। एक तरफ है ऋतुराज गायकवाड़, तो दूसरी तरफ है सैम करन। और काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। सैम करन जो कि सबसे महंगे दामों में इनको खरीदा गया है, और काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस इस वाले मैच में, और बहुत ही मैच रोमांचक होने वाला है। तो चलिए मैं बता दूँ कि टीम बनाने के लिए कौन कौन से खिलाड़ी बेस्ट रहेंगे। देखिए गाइस, दोनों ही टीमों में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे प्लेयर हैं, ऐसे गेंदबाज हैं। तो इनमें से तो गाइस हमें तो 11 प्लेयर ही चुनना है। तो चलिए गाइस मैं बता दूं, और कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसे आप टीम बनाने के लिए नहीं चुन सकते। दोनों ही टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे प्लेयर हैं, तो आप किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो, टीम बनाने के लिए चुन सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा और सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, किस खिलाड़ी को चुनना चाहिए, किस गेंदबाज को चुनना चाहिए, किस गेंदबाज को नहीं चुनना चाहिए। और दोनों ही गाइस, दोनों ही टीमों में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। तो चलिए मिलने चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे और लाइव प्रूफ सारा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस, हमारा जो मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ऑन हो चुका है, और ये साफ देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ऑन हो चुका है। तो चलिए गाइस, टीम बनाने के लिए अच्छे अच्छे प्लेयर्स, अच्छे अच्छे गेंदबाज चुनते हैं, ताकि हमारे जो मैच टीम बनाए उससे हम मैच जीत जाएं। चलिए गाइस चलते हैं, और बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है। देखिए गाइस, ये कल का मैच है, कल शाम को हैदराबाद ने 157 रन बना पाई 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पे। वहीं दिल्ली ने 188 रनों पर ही रोक दिया दिल्ली को, और 9 रनों से सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच जीत गया। चलिए गाइस, हम तो आज का देखना चाहते हैं। ये देखिए गाइस, चेन्नई सुपर किंग्स विशेष पंजाब किंग्स, दोनों ही मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है, और ये 3:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा, और शाम को भी 7:30 बजे मैच अगला होगा। ये देखिए गाइस, तो चेन्नई में सबसे पहले आते हैं MS धोनी, जो कि चेन्नई का कैप्टन है, और बहुत ही ये तो हर के दिलों पर राज करते हैं, हर एक व्यक्ति के दिलों पर राज करते हैं, और बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी हैं। इनके बारे में बात आप लोग तो जानते होंगे, तो मैं क्या बताऊंगा उनके बारे में। दूसरी तरफ है ऋतुराज गायकवाड़, ये भी यार बेटर खिलाड़ी हैं, बहुत ही मस्त खिलाड़ी हैं, बहुत ही धाकड़ खिलाड़ी हैं, इन पे आप कभी भी भरोसा कर सकते हैं आँख बंद करके। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छे लय में चल रहे हैं। और चेन्नई में गाइस, मुझे लगता है, मुझे नहीं आप लोगों को लगता होगा, कि चेन्नई में जितने भी खिलाड़ी हैं सब के सब बहुत ही अच्छे हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, किसी को मतलब कि टीम बनाने के लिए नहीं चुन सकते, सब कुछ चुन सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। इसके बाद कॉनवे हो गए, ये तो यार बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही लंबे लंबे सिक्सर मारते हैं, और सिक्सर का राजा हैं ये, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बेटर खिलाड़ी हैं, मस्त खिलाड़ी हैं। उसके बाद आदित्य रहाणे हो गए, ये भी यार बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छे लय में चल रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है इनके मैच देखने में। तो उसके बाद मोइन अली हो गए, ये भी यार बहुत ही अच्छे गेंदबाजी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, बहुत तगड़े वाले बैटिंग करते हैं, गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं, और इनकी खेले मैच बहुत ही मुझे पसंद आती है।
बहुत ही अच्छा लगता है इनका मैच। जब भी चेन्नई का मैच होता है तो मैं ज़रूर देखता हूँ। उसके बाद शिवम दुबे है, वो ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छे लय में चल रहे हैं, अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा हो गए, ये तो यार इनकी गेंदबाजी और बैटिंग इतनी अच्छी चल रही है कि मैं आप लोगों का क्या ही बताऊँ, आप लोग तो जानते होंगे। और मैंने हर भी देखा है कि टीम बनाने के लिए ये खिलाड़ी बहुत बेटर रहेंगे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहेंगे, क्योंकि जब भी ये बॉलिंग कराते हैं तो एक दो विकेट तो आराम से ले लेते हैं, और सिक्सर भी बहुत अच्छे अच्छे मारते हैं। काफ़ी तगड़े वाले खिलाड़ी हैं, बहुत सही खिलाड़ी हैं, मस्त खिलाड़ी हैं। राइडू हो गए, ये भी यार बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, गेंदबाज हैं। उसके बाद पंजाब में देखिए गए, शिखर धवन हो गए, जो कि पंजाब के कैप्टन हैं और सबसे ऊपर में ही हैं, और काफ़ी बढ़िया लगता है इनको भी परफॉर्मेंस देख करके, मैच देख करके। बहुत बेटर खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, शानदार खिलाड़ी हैं, और काफ़ी मज़ा आता है इनका मैच देखने में। पिछले खिलाफ इन्होंने MI के खिलाफ खेला था, तो बहुत ही मतलब कि जीत हासिल किए थे। उसके बाद एक मैच में शायद हारे थे, उसके बाद यहाँ तक आए हैं। आज होने वाले चेन्नई वर्सेस पंजाब, काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। उसके बाद बहुत ही जितेश शर्मा हो गए, बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। और गाइस ये देखिए सैम करन, ये तो IPL में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं, और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, तगड़े वाले खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी और बैटिंग बहुत ही इनका तगड़ा है, तगड़ा परफॉर्मेंस है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही ख़तरनाक खिलाड़ी हैं, बहुत ही। और IPL के करियर में सबसे महंगे दामों पर बिकने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तगड़े खिलाड़ी हैं, और काफ़ी मज़ा आता है इनका मैच देख करके, इनका खेल देख करके बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा फील होता है कि यार बहुत अच्छे तगड़े वाले खिलाड़ी हैं ये भी। अराबाडा हो गए, शाहरुख खान हो गए, ये भी यार बहुत तगड़े वाले खिलाड़ी हैं। इनके बारे में भी आप कुछ नहीं थी कर सकते, और टीम बनाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहेंगे, और काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। दीपक राहुल चहर हो गए, ये भी यार बहुत तगड़े वाले खिलाड़ी हैं। एक मैच में शायद 21 में कि 22 में इन्होंने चेन्नई में खेल रहे थे, लेकिन दो टीमें आने से ही इधर उधर हो गया है, और काफ़ी तगड़े वाले खिलाड़ी हैं ये भी। उसके बाद अर्शदीप सिंह, ये यार ये इनका बॉलिंग है, बहुत ही तगड़े बॉलिंग है ये, और मैं इनका मैच हर एक मैच देखता हूँ। बहुत ही अच्छी बॉलिंग है इनकी, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छी लय में चल रहे हैं, अच्छे अंदाज में चल रहे हैं, और काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी हैं गाइस। और जब भी मतलब इंडिया और दूसरे देशों में खिलाड़ी मैच होता है तो यही तो गेंदबाजी कराते हैं, तो एक दो विकेट तो आराम से छटका देते हैं। बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छे लय में चल रहे हैं, अच्छे अंदाज में चल रहे हैं, और काफ़ी तगड़े वाले खिलाड़ी हैं। उसके बाद ये सब हो गए, तो गाइस दोनों टीमों में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। आप इनको अपने हिसाब से जिसको आप चाहते हो, पसंद करते हो, चाहते हो कि हाँ ये खिलाड़ी अच्छा कर पाएगा, ये खिलाड़ी सही कर पाएगा, तो आप लोग अपने हिसाब से टीम के लिए चुन सकते हो। दोनों ही बहुत अच्छी टीम है, और दोनों ही अच्छी टीम अच्छे अच्छे लय में चल रही है। खिलाड़ी भी इन दोनों में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, आप अपने हिसाब से आप चुन सकते हो। चुनने के बाद आप अपने टीम बनाने के लिए चुन सकते हो इन लोगों को, और दोनों ही टीमों में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं यार, बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, तगड़े वाले खिलाड़ी हैं। और चेन्नई में जितने भी खिलाड़ी हैं सब के सब बेटर खिलाड़ी हैं। पंजाब में भी जो है बहुत तगड़े तगड़े वाले खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा मैच होने वाला है, और बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। तो आज आप लोग 3:30 बजे मैच ज़रूर देखना, और बहुत ही अच्छी मतलब अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छे लय में चल रहे हैं, अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। तो आज शाम को आप 3:30 बजे मैच ज़रूर देखिए इनका, इन दोनों का, और देखते हैं कि कौन जीत हासिल करता है, कौन जीत हासिल नहीं करता, वो तो शाम को ही पता चलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों का अच्छा है। तो गाइस मैंने आप सभी को सारा लाइव प्रूफ दिखा दिया कि किस खिलाड़ी को टीम बनाने के लिए चुने, किस गेंदबाज को चुने, और गाइस दोनों ही टीमें बहुत अच्छी है, दोनों ही टीमों में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, इस पर आप कभी भी टीम बनाने के लिए चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जो गाइस हम तो अच्छे के लिए चुनेंगे, अब आगे क्या होगा क्या नहीं हो तो वो भी वही जाने। तो गाइस दोनों ही टीमें बहुत अच्छी है, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, अच्छे अंदाज में हैं, अच्छे लय में हैं, और दोनों ही खिलाड़ी बहुत तगड़े तगड़े वाले खिलाड़ी हैं दोनों टीमों में के।
कोई किसी से कम नहीं है। तो बस ये तो महा मुकाबला है और काफ़ी रोमांचक मैच होने वाला है। तो आज शाम को देखते हैं 3:30 बजे के क्या होता है, कौन इस टीम का विनर होता है, कौन इस मैच का विनर होता है, कौन टीम हारती है, कौन टीम जीतती है। और गाइस कमेंट में आप लोग ज़रूर बताने कि आप लोग किस टीम को जिताना चाहते हो, ताकि मैं भी तो आप लोग का राय जानूँ कि आप लोग किस टीम पर भरोसा करते हो, किसको आप लोग उम्मीद करते हो, किसको आप लोग जिताना चाहते हो, मैं भी तो आप देखूँ। और दोनों ही गाइस टीमें बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी दोनों में हैं, दोनों ही तगड़ी वाले खिलाड़ी हैं और बहुत ही अच्छी टीम है, अच्छे लय में चल रही है, अच्छे अंदाज में चल रही है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई।